त्योहारों का मौसम आ गया है तो मिठाई तो बनती है। तो आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल बेसन के दानेदार लड्डू। बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाले लड्डू हम बनाएंगे। बेसन के लड्डू बनाना वैसे भी बहुत आसान है, कुछ ट्रिक्स के साथ हम इसको बनाएंगे। बहुत बढ़िया लड्डू बनके हमारे तैयार होंगे। सबसे पहले हमने बेसन लिया है, ये बेसन जो है थोड़ा मोटा वाला मैंने लिया है, मोटा बारीक कोई भी ले सकते हो, लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। ये देखिए मैंने मोटा बेसन लिया और ये बेसन जो है लगभग 150 ग्राम है। 100 ग्राम मैंने घी लिया है, शुद्ध देसी घी में मैं लड्डू बना रही हूँ। ये देखिए अब मैं इस घी को कढ़ाई में डाल के अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। अब मैं इसमें जो है बेसन डाल दूँगी, ये देखिए इस तरीके से। अब मुझे बेसन को जो है अच्छे से घी के अंदर भूनना है, मंदी गैस रखनी है और इसको इस तरीके से चलाते रहना है ताकि हमारा बेसन जो है जले ना, चिपके ना इसलिए। और बेसन हमें अच्छे से भूनना है, अगर बेसन अच्छे से नहीं भुनेगा तो जो बेसन का कच्चापन है उसकी वजह से हमारा लड्डू मुँह में जाके चिपकेगा। तो हमें बेसन को जब तक भूनना है जब तक कि इसमें से खुशबू ना आ जाए बेसन भूनने की। देखिए इस तरीके से हम चलाते रहेंगे, ये देखिए बहुत बढ़िया दानेदार लड्डू हमारे बनके तैयार होते हैं, हलवाई जैसे बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट लड्डू बनते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा इसका जो है कलर चेंज हो गया है, ये थोड़ा थोड़ा देखिए ब्राउन कलर होता जा रहा है हमारे बेसन का। इस तरीके से हमें भूनना है और मंदी गैस से ही भूनना है, ये देखिए इस तरीके से चलाते रहना है। अब ये देखिए मैं इसमें एक चम्मच घी और डाल दूंगी, मुझे ये थोड़ा सूखा सूखा सा लग रहा था तो मैं इसमें एक चम्मच घी और डाल रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बेसन हमारा जो है भुन चुका है, अच्छे से गोल्डन ये हो चुका है। अब एक कटोरी में हमने पानी लिया है, इसमें मैं जो है थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी, ये ऑप्शनल है फूड कलर, लेकिन पानी आपको लेना है। अब इस पानी को जो है मैं बेसन में डाल दूंगी ताकि जो बेसन का दाना है वो आ जाए, बिल्कुल दानेदार लड्डू हमारे बनते हैं। देखिए इस तरीके से पानी से जो है बेसन में हमने पानी डाला है तो इससे बेसन का क्या होता है दाना निकल आता है। ये देखिए अब पानी को अच्छे से हम जला लेंगे जब तक हम दोबारा भूनेंगे अपने बेसन को इस तरीके से। देखिए क्या बढ़िया कलर आया है। अब एक चम्मच हम इसमें एक मींग का पाउडर डाल देंगे, ये देखिए जिन्हें हम मगज भी बोलते हैं, और उसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर हमारा आया है। अब देखिए हम गैस को जो है बंद कर देंगे और इसको चलाते रहेंगे ताकि नीचे के बेसन जो है उसका कलर ज़्यादा डार्क ना हो जाए। इस तरीके से हम इसको चलाते रहेंगे और अपने बेसन को, अब देखिए मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी कि इसको ठंडा करना है। ये देखिए अब मैं इसको प्लेट में जो है फैला देती हूँ कुछ इस तरीके से कि ये ठंडा हो जाए। ठंडा हमें ये इसलिए करना है, अगर मैं ज़्यादा गर्म में मीठा डालती हूँ तो ये बिल्कुल पिघल जाएगा, जिसकी वजह से हमारे लड्डू बन नहीं पाएंगे, बिखरे बिखरे लड्डू बनेंगे हमारे। इसको हम ठंडा कर लेते हैं। देखिए मैंने इसमें बारीक कटे हुए बादाम डाल दिए हैं, ये ऑप्शनल है। ये देखिए बादाम डाल दिए मैंने, बादाम को जो है मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। ये देखिए बेसन को ना हमें बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा ये गर्म भी नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि आप हाथ लगाएं तो आपको सुहाए, ये मतलब इजीली आप टच कर पाएं। बहुत ज़्यादा ठंडा भी हमें इसे नहीं करना है, ज़्यादा ठंडा भी हम कर लेंगे तो हमारे लड्डू जो हैं बिखरे बिखरे बनते हैं, अच्छे नहीं बनेंगे इसलिए। अब देखिए हम इसमें जो है अब डालेंगे मीठा, मीठे में मैंने इसमें बूरा डाला है, 150 ग्राम बेसन था तो मैं 150 ग्राम ही बूरा डाल रही हूँ, आप मीठा अपनी पसंद से डाल सकते हो। ये देखिए अब मीठे को मैं इसमें अच्छे से जो है मिक्स कर दूँगी इस तरीके से, देखिए बहुत बढ़िया मैं इसको इस तरीके से मिक्स कर दूँगी। ये देखिए क्या बढ़िया मिक्स कर रहे हैं, ये देखिए इतना बढ़िया मिक्स हो रहा है, बहुत बढ़िया हमारे लड्डू बन रहे हैं। ये देखिए कितना बढ़िया हमने ये मिक्स कर लिया, ये देखिए अब हम इसके लड्डू बनाएंगे इस तरीके से, दोनों हाथों से दबा दबा के हम गोल गोल लड्डू बनाएंगे, बिल्कुल दानेदार हमारे हलवाई स्टाइल लड्डू बनके तैयार होंगे। ये देखिए बिल्कुल लड्डू में देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ कितने दाने बने, बिल्कुल दानेदार लड्डू बने हैं। इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना के रख लेते हैं, ये देखिए क्या बढ़िया लड्डू बने हैं, कितने बेहतरीन लड्डू बने हैं। ये देखिए हम सर्व कर देते हैं, ये देखिए
बिल्कुल दानेदार लड्डू बनते हैं, बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ अगर आप बनाएंगे तो आपके लड्डू भी बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन बनते हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं। और ज़रूर बताना कि आपके लड्डू कैसे बने। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये देखिए कितना बढ़िया लड्डू बना है। देखिए मैं आपको एक लड्डू तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट हमारे ये लड्डू बने हैं। ये देखिए मुंह में बिल्कुल जाते ही घुल जाएगा, इतने बढ़िया हमारे लड्डू बने हैं। तो ज़रूर बताएं आपको ये लड्डू कैसे लगे हैं। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। देखिए क्या अब लड्डू बने।